अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय फेरी स्पेस गार्डन। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यहाँ आज ईद उल अज़हा है, हम यहाँ कुर्बानी कर रहे हैं और बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। हमारे लिए बड़ा हैप्पीनेस डे होता है और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। तो मैंने इसको देखते हुए मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो भी बनाई जाए। कुछ डिफरेंस टॉपिक है ये जिस पर मैं वीडियो बना रही हूँ, साथ साथ आपको प्लांट्स भी कुछ दिखाती जाऊँगी और मैं वीडियो भी बनाती जाऊँगी आपके लिए। अच्छा, मैं सबसे पहले तो बनाऊँगी मेक एक्स्ट्रा कैश इन योर हाउस प्लांट। किस तरीके से, मतलब आप कैश बना सकते हैं अपने हाउस प्लांट से ही, घर में ही। बहुत सारे तरीके हैं कि जिस तरीके से आप घर में ही कैश बना सकते हैं और प्लांट्स तैयार कर सकते हैं और उसको सेलिंग कर सकते हैं। तो उसके कुछ मेथड मैं आपको बताऊंगी, साथ साथ हम अपने प्लांट्स को भी विज़िट करेंगे और टूर करेंगे अपने गार्डन का। तो इस तरीके से हम बोर भी नहीं होंगे, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको बोर ना करूँ और आपको दिखाऊँ। हम जब प्लांट परचेज़ करते हैं तो सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल रखें कि ऐसे प्लांट परचेज़ करें उसके अंदर कि ये चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखते हुए प्लांट परचेज़ करें कि ऐसा प्लांट हो कि बहुत ज़्यादा बुशी हो, या तो ताकि उसके ज़रिए से हम कटिंग बना सकें, या तो ऐसा प्लांट हो जिसके अंदर सम टाइम ये होता है कि टू प्लांट्स लगे हुए होते हैं। आप जब प्लांट परचेज़ कर रहे होते तो इतने कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आती है कि आप अपनी मर्ज़ी से उसमें से प्लांट उठा सकते हैं नर्सरी से। तो और दूसरा ये कि या तो ऐसा प्लांट हो कि हम घर जाके सेपरेट कर लें उसको, ठीक है चलें। अगर हम सेपरेट करेंगे तो उस तरीके से भी हम अपना एक प्लांट तैयार कर सकते हैं और प्लांट को सेल कर सकते हैं। अगर जो कोई इंटरेस्टेड है, जिनको पता है हमारा गार्डन है, अपना पर्सनल अपना गार्डन है, तो उनको भी हम प्लांट सेल कर सकते हैं और प्लांट स्वैप भी कर सकते हैं, जिनके ज़रिए से हमें प्लांट के बदले में प्लांट मिल जाता है। अब मैं आगे लेके चलती हूँ, साथ साथ मैं अपने वीडियो के बारे में बताती जाती हूँ आपको। तो ये मेथड भी बहुत अच्छा है कि इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा ये कि एक मेथड ये भी है कि हम कटिंग के ज़रिए से भी प्लांट बढ़ा सकते हैं और मनी बना सकते हैं। तो हम कटिंग कर सकते हैं किसी भी ऐसे प्लांट की। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जैसे ये मेरा ये प्लांट है, तो इसके 3 ब्रांचेस हैं, 1, 2, 3। तो एक हम जो छोटी वाली ब्रांचेस है उसको यहाँ से हम कट करके और इसकी कटिंग लगा सकते हैं। तो 15 से मंथ के अंदर आपका एक प्लांट तैयार हो सकता है इस तरीके से। और ये जैसे ये विन का प्लांट है, इनकी छोटी कटिंग लगा सकते हैं, प्लांट तैयार कर सकते हैं और मनी बना सकते हैं। ये भी एक मेथड है कि हम इस तरीके से अपने प्लांट तैयार कर सकते हैं कटिंग के ज़रिए से। जब हमारे प्लांट तैयार हो जाते हैं फिर उनको हम सेलिंग पे लगा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे अपना कोई ग्रुप बना सकते हैं, फेसबुक पे बना सकते हैं, जिस तरीके से आपके प्लांट सेल हो जाते हैं। और ये देखें, ये एक मेरा चीकू का प्लांट है जो कि मैंने अपने घर में सीड के ज़रिए से ग्रो किया है। तो एक मेथड ये भी है कि आप सीड के ज़रिए से जो प्लांट ग्रो करते हैं तो सीड जब लगाते हैं तो आप एक प्लांट ना लगाएं सीड के ज़रिए से, कई प्लांट लगा के तैयार कर लें, तो इस तरीके से आपका एक प्लांट तैयार हो जाएगा। तो एक ये मेथड भी है कि इस तरीके से भी हम मनी बना सकते हैं, उसको सेपरेट सेपरेट कर दें, पहले स्टार्टिंग में उसको एक ही पॉट में लगा दें और फिर सेपरेट सेपरेट कर दें, इस तरीके से भी आपका प्लांट तैयार हो सकता है। ये भी बहुत अच्छा मेथड है। ये पता नहीं मेरे क्या हो रहा है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये कुछ कैटरपिलर है जो मुझे देखनी पड़ेगी कि इसी पॉट के अंदर है, जो कि एक दो और प्लांट में मेरी अपनी शुरू हुई है, इससे बेहतर बढ़े वो, तो मैं इसको चेक करूँगी बहुत जल्द ही। अच्छा, मैं आगे लेके चलती हूँ और फिर मैं हम उसकी उस टॉपिक पर उस पर बात करेंगे आपसे। मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी क्योंकि आप बोर ना हो, मैं चाहूँगी कि इतनी बड़ी वीडियो कि आप उसे इंटरेस्ट से देख सकें, क्योंकि जब आप वीडियो देखते देखते वीडियो देखना छोड़ते हैं और वीडियो आधे में ही छोड़ देते हैं तो मुझे अच्छा फील नहीं आता है और मुझे बहुत बुरा लगता है।
तो मैं चाहती हूँ इतनी इंटरेस्टेड वीडियो हो और इतनी बड़ी ना हो कि आपका इंटरेस्ट डाइवर्ट हो। तो अच्छा, मैं आगे लेके चलती हूँ आपको, फिर मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, एक दो मेथड और बताऊँगी आपको, फिर मैं वीडियो को वाइंड अप करूँगी। अब ये देखें, ये अब जब ये इस टाइप के आप प्लान परचेज करते हैं डिफरेंट, बाकी जैसे जैसे आपके छोटे छोटे आपके यहाँ कटिंग लगी हुई है और मुस्तकिल यहाँ ये मुझे प्लांट देता है और छोटे छोटे इसमें प्लांट हैं, तो इस तरीके से भी आप प्लांट को सेपरेट करके अपने प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये भी मेथड बेस्ट है आपके लिए। अब देखें, और ये है एक एलिफेंट एयर का प्लांट है। जब मैंने ये परचेज किया था तो ये टू लीव्स पर डिपेंड कर रहा था, लेकिन अब देख सकते हैं आप कितना बुशी हो चुका है और बहुत ही कम प्राइस में इसको मैंने परचेज़ किया। आई थिंक मैंने इसको 100 रुपीज़ में परचेज़ किया था। तो इस टाइप के प्लांट को भी सिंगोनियम की तरह यहाँ से हम कट करेंगे और कई हम इसके प्लांट तैयार कर सकते हैं। यहाँ देखें, इसके एरियल रूट आ चुके हैं, प्लांट बना सकते हैं इससे। तो एक मेथड ये भी बेस्ट है जिसके ज़रिए से हम अपना प्लांट तैयार कर सकते हैं। बहुत ही जल्द इस तरीके से हमारे बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाएंगे। दूसरा ये कि ये एक स्पाइडर प्लांट है जो कि मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, पहले भी मैंने अपनी वीडियो में बताया है। तो अब इसके अंदर ये देखेंगे, स्टिक के अंदर छोटी छोटी से प्लांट्स बनते जा रहे हैं। तो इस टाइप के प्लांट्स अगर हम बना लें तो मंथ टू मंथ के अंदर हमारे कई प्लांट तैयार हो जाते हैं। ये देखें कितना बुशी हो रहा है ये, और कितनी अच्छी इसकी स्टिक बन रही है, और इसमें कई प्लांट होते हैं जिसके जैसे इसको कट करके इसको लगा लिया जाता है कंपोज में, इस तरीके से भी हमारा प्लांट तैयार हो जाता है। ये भी बहुत बेस्ट तरीका है प्लांट तैयार करने का। चलिए मैं आगे लेके चलती हूँ और आपको दिखाऊंगी। इसके ऊपर भी मेरी वीडियो बनाने का इरादा ये देख रहे हैं, ये मेरी कुछ प्लांट्स हैं जिसके ऊपर मेरी वीडियो बनाने का इरादा है। चलिए मैं आगे लेके चलती हूँ आपको। चलें, ये मैं दिखाऊंगी। ये मेरा एक ऐसा पोर्शन है, ये ऐसा कॉर्नर है जिसको आप बड़ा लाइक करते हैं, जो आपका बहुत ही फेवरेट है। पहले ही मैं इसको जूम करके दिखा चुकी हूँ, लेकिन अब मैं इसके कुछ प्लांट दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने प्लांट्स तैयार किए हैं कटिंग के ज़रिए से। ये देखें, ये मैंने कई रिसन के प्लांट कटिंग के ज़रिए से एक ही आइसिंग कप में लगाया है, उसको मैंने तैयार किया है। इस तरीके से भी आप प्लांट तैयार कर सकते हैं, मनी बना सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं। अच्छा, सेल के तो बहुत तरीके हैं, हाउस टू हाउस कर सकते हैं जो आपके इंटरेस्टेड हैं प्लांट में। दूसरा ये कि इंस्टा के ज़रिए से कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप ग्रुप बना लें, फेसबुक पे ग्रुप बना लें, प्लांट स्वैप कर लें अगर प्लांट लेना चाहते हैं। ये भी बहुत अच्छे मेथड है, ये तरीका है आपको, इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आपके पास ऐसी कुछ प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं बिल्कुल नीचे से, तो इनको थोड़ा सा मैच्योर होने के बाद इसकी कटिंग कर इनकी कटिंग भी लगा सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से भी आपका प्लांट तैयार हो जाएगा। ये है मेरा एक ओलेंडर का प्लांट, एक मेरा ये है जिसके अंदर नीचे से ग्रोथ हो रही है और नीचे से कटिंग हो रही है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। चले, मैं वीडियो को एंड करती हूँ। अब हम मैं ईद उल अज़हा को इंजॉय करूँगी और हम कुछ स्वीट डिश लेंगे, कुछ करेंगे और आपको बहुत मिस करेंगे। आप मेरी वीडियो को इतना लाइक करते हैं, देखिए अगर वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब तो मेरा बनता है, तो सब्सक्राइब करें। अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं आप, रहना चाहते हैं और मेरी वीडियो देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।